हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? और अभी मैं हूँ अपने टेरेस गार्डन पे और आपको दिखा रही हूँ अपना प्यारा सा गार्डन। ये है हमारी प्यारी सी रंगोली जो सब ये बच्चों ने मिलके बनाई है। बहुत प्यारी सी रंगोली बनाई है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और ये है प्यारा सा गार्डन। तो आइए, रात में आज आपको गार्डन टूर दे रही हूँ मैं अपना। ये है प्यारा सारे का पाम और ये है हमारा स्नेक प्लांट। और इतने सारे यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं ना। ये मेरा प्यारा सारे का पाम और अभी आपको मैं दिखा रही हूँ अपने प्यारे। ये है मेरे प्यारे से फ्रेंड और ये है मेरी सिस्टर। और अभी हम सब रात को अपने गार्डन पे बैठे, हम पटाखे वटाखे कुछ भी नहीं फोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है। और ये देखिए हर जगह लाइट लगाई हुई है, पूरा गार्डन लाइट से सजाया है। ये देखिए ये देखिए अभी हम लाइव में देखेंगे, अगर जिस जिसने भी लाइव देखा है वो प्रेजेंट मैम लिखना कमेंट पे। खास तो वो सोमिक जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था। पटाखे भी जलाए, ये ग्रीन कारपेट भी छाया उसी पे बैठे हैं। पटाखे जलाए भी है। और ये है स्वीट पोटैटो वाइन। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे तो सिर्फ बैठने का बनाया हुआ है। मैं ना वीडियो शूट भी यहीं पे करती हूँ। और यहाँ पे ये मेरे सारे सुंदर सुंदर से पौधे आप देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे जो भी मैंने उगाया हुआ था वो सब है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाउडर पफ के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए पाउडर पफ के खिले सारे फूल खिले हैं। और ये है मेरा प्यारा गार्डन। ये देखिए बालकनी गार्डन में आपको ऐसा दिख जाएगा। और ये बोगनविलिया भी दिख जाएगा। ये देखिए हमारा टेरेस का गार्डन। ये देखिए तो कुछ ऐसा सा बना है मैंने गार्डन अभी। और ये है मॉन्स्टेरा का प्लांट। दीदी ये वाला कौन सा है? अरेका पाम। अरेका पाम। और ये वाला, ये फाइकस है। ये फाइकस आपने बताया था। और ये है धनिया, इसमें से काफी फेवरेट है दीदी ना। कल ये ना दीदी ने मुझे दिया था, बहुत काफी खा भी चुके हैं। और अब है हमारा मेरा गार्डन। यहाँ पे सब लोग फोटो शूट करवा रहे हैं। और ये हमारी रंगोली है प्यारी सी, ये देखिए। और यहाँ हमारा बगीचा है। तो रात को कुछ ऐसा सा नज़ारा आता है मेरे गार्डन का। मैंने रंगोली भी यहीं पे बनवाई है क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना अच्छा लग रहा था काफ़ी। और यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट हैं और ये सारे जो मैंने सैपलिंग्स ग्रो की हुई थी वही सब है। और ये तो आप देख ही सकते हैं कितने सारे खिले हुए हैं। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। कॉक्सकॉम देखिए। और रात रानी देखिए, पूरा फूलों से भरा है और इतनी खुशबू आ रही है इसमें से। सारी गुलदावदी है जो अभी खिली नहीं है, कुछ ही दिनों में खिल जाएगी। और ये सारे गुलाब के पौधे हैं जिनमें बहुत जल्दी बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं। देखिए गुच्छों गुच्छों में फूल आ रहे हैं, इतनी कलियां बन रही हैं, एकदम गुच्छों में फूल आ रहे हैं। और ये है हमारा प्यारा सा बालकनी गार्डन। और यहाँ पटाखे जल रहे हैं, गार्डन। दिवाली पे ना सब लोग बहुत सारे पटाखे फोड़े थे लेकिन हम सब अपने प्लांट्स के ही साथ एंजॉय कर रहे थे। टेरेस पे ही थे सारे लोग। और हम लोग ना हमेशा ही ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे वटाखे हम कुछ भी नहीं फोड़ते, बस हम अपने प्लांट्स के साथ ही खुश रहते हैं। और ये देखिए पास से मैं आपको अपने सारे प्लांट दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। और ये देखिए ये मेरा जो डॉल प्लांट है, इसमें वॉन्डरिंग ज्यू का प्लांट मैंने लगाया हुआ है। और इसके आगे रखा है पिंक सिंगोनियम,
और एक तो लाइट की वजह से सब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और पान का पौधा भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है, तो ये देखिए स्नेक प्लांट तो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे नाइट में अपने गार्डन का टूर करवाना दिवाली पे, इसीलिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। और पटाखे ना बिल्कुल कम से कम छोड़िए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है पहले से ही। और आज तो इतने सारे पाउडर पफ के फूल खिले हुए थे ना, ये देखिए बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी गार्डन। ये है मेरा प्यारा बालकनी गार्डन, जिसे दिवाली पे तो मतलब और भी ज़्यादा सुंदर लगता है मेरा बालकनी गार्डन। और यहाँ पे भी एक रंगोली हमने बनाई हुई है, ताकि हर जगह ही पूरे घर पे रंगोली तो सभी लोग बनाते हैं, तो मैंने अपने गार्डन में ही ज़्यादातर रंगोली बनाती हूँ। और बोगनवेलिया के फूल भी अभी भी खिल रहे हैं, और इनमें जब लाइट पड़ रही है ना तब तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे। बस अब जैसे जैसे दिसंबर आएगा, फिर थोड़ा बहुत जनवरी के टाइम पे या दिसंबर लास्ट में ये प्लांट थोड़ा रेस्ट करता है, फिर फूल दे देता है। और ये है प्यारा सा बालकनी गार्डन का एंट्री गेट, और हर जगह पे हमने डेकोरेट किया है। दिवाली इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत सारी हमें लाइट्स लगानी होती है और बहुत प्यारा गार्डन ज़्यादा सुंदर लगता है इस टाइम पे, इसीलिए मुझे दिवाली बहुत पसंद है। तो ये सब मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड हैं, इन्हीं के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है दिवाली सेलिब्रेट करना। तो हम लोग तो दिवाली ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा बहुत डांस, पूजा पाठ करके, और साथ में प्लांट्स के साथ इंजॉय। आप लोग कैसे दिवाली मनाते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।